इस लेक्चर में हम ओल्फैक्टरी नर्व की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट करीनियल नर्व है। सेकंड पॉइंट है, ये प्योर सेंसरी नर्व है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, 12 नर्व में से ये ओनली वन नर्व है विच कैन रीजेनरेट। इफ ओल्फैक्टरी नर्व इज कट, इट कैन रीजेनरेट। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व जो फाइबर कैरी करती है उनको कहते हैं स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर। करीनियल नर्व के फंक्शनल कॉलम में सात कॉलम है। इन सात में से तीन कॉलम एफरेंट के हैं और चार कॉलम एफरेंट के हैं। और एफरेंट के कॉलम में से एक कॉलम स्पेशल विसरल एफरेंट भी है और ये कैरी करता है स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशंस। लास्ट पॉइंट में यह है कि ओल्फैक्टरी सेंसेशंस थैलेमस में रिले ही नहीं होती। सेंसेशंस डू नॉट रिलेड इन द थैलेमस। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमसीक्यूज फॉर ओल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं ओल्फैक्टरी पाथवे। अब इस पाथवे में कंप्लीट कोर्स है करीनियल नर्व फर्स्ट का, यानी ओल्फैक्टरी नर्व का कंप्लीट पाथवे है। सबसे पहले देखते हैं, नेजल कैविटी के रूफ में एक म्यूकस लेयर है और इसमें डिफरेंट सेल्स की लेयर है। इन सेल्स में से चंद सेल ये हैं, सपोर्टिंग सेल, ओल्फैक्टरी सेल और बेजल सेल। ये सेल्स बनाते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। अब ये ओल्फैक्टरी नर्व रूटलेट्स पास करती हैं करीबरी फॉर्म प्लेट ऑफ इथमाइड बोन। प्लेट ऑफ इथमाइड बोन करीबी फॉर्म प्लेट ऑफ इथमाइड बोन से पास करने के बाद ये आगे एक बल्ब बना देती है, इसको कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। इस ओल्फैक्टरी बल्ब में तीन तरह के सेल्स होते हैं। इन सेल्स में मिट्रल सेल, ग्रेनुलर सेल और टफ्टेड सेल है। अब नेक्स्ट ये सेल्स मिलकर बनाते हैं ट्रैक्ट, इसको कहते हैं ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। अब जब ये ट्रैक्ट इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस ऑफ फ्रंटल लूप में पहुंचता है तो ये दो में डिवाइड हो जाता है। इस पाथवे को कहते हैं लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया और दूसरे को कहते हैं मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया। अब लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया में जो एग्जॉन्स हैं ये स्ट्राया कैरी करता है एग्जॉन्स टू दी प्रीपाइरिफॉर्म एंड पेरी अमिगडलाइड एरिया।
ऑफ ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। अब जो मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया है ये लेके जाता है एक्सॉन्स टू ओल्फैक्टरी बल्ब ऑफ ऑपोजिट साइड। अब ये लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया ये कैरी करता है कि एग्जाम्स टू दी परिपेरिफॉर्म एंड एमिग्डलाइड एरिया ऑफ ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। अब इसमें ये नेक्स्ट लेके जाता है एक एरिया है एरिया 28, एरिया 28 ऑफ पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। अब नेक्स्ट ये सेंसेशन जाती हैं सेकेंडरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, सेकेंडरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स ये कंप्लीट पाथवे ओल्फैक्टरी नर्व। अब इस डायग्राम में ओल्फैक्टरी नर्व का कंप्लीट स्केच है। सबसे पहले ये रूफ ऑफ नेजल कैविटी है, इसमें ओल्फैक्टरी म्यूकोसा है, ये इसमें ओल्फैक्टरी हेयर सेल्स होते हैं। अब ओल्फैक्टरी नर्व यहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले ओल्फैक्टरी हेयर सेल्स से ओल्फैक्टरी नर्व रूटलेट्स पास करेंगी, ये है करीबी रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। अब आगे ये बनाएंगी ग्रेन्यूल सेल्स के साथ साइनेप्स करेंगी और साथ में ये ओल्फैक्टरी बल्ब बनाएंगी। अब यहां से ये फाइबर जाएंगे नेक्स्ट, आगे ये डिवाइड हो जाएंगे मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया और लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया में। अब जो मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया के फाइबर हैं ये जाते हैं एंटीरियर कमिशर और सेप्टल न्यूक्लियाई में, यहां पर ये डीकसेट करते हैं। और जो लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया है ये जाते हैं एमिग्डलाइड बॉडी एंड परिपेरिफॉर्म लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये यहां पर जाते हैं और यहां पर ये बन जाता है ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, अब इस डायग्राम में हम ओल्फैक्टरी पाथवे का कंप्लीट स्केच देखते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व एक प्योर सेंसरी नर्व है। अब रूफ ऑफ नेजल कैविटी से ये नर्व स्टार्ट होती है, ओल्फैक्टरी म्यूकोसा से ओल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट हैं, ओल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं। जब ओल्फैक्टरी नर्व पास करती है करीबी रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन से तो ये ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाती है इन द ओल्फैक्टरी बल्ब अगेन। अब ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट डिवाइड करता है लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया और मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया। लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया है एमिग्डलाइड बॉडी और पेरिफॉर्म और परिपेरिफॉर्म लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया ये एंटीरियर कमिशर में जाकर डीकसेट करता है और सेप्टल न्यूक्लियाई में टर्मिनेट करता है। इस तरह ये कंप्लीट स्केच है, एक क्विक नोट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व। यूजुअली ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाती है जब करीबी रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन डैमेज हो जाए। करीबी फॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन के फ्रैक्चर से ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाती है। अब इसके डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, सबसे पहले है एनोस्मिया। एनोस्मिया वो कंडीशन है जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन हो जाती है। नेक्स्ट है डिसऑस्मिया, का दूसरा नाम फेंटोस्मिया भी है। फेंटोस्मिया ये कंडीशन है जिसमें अनप्लीजेंट और स्ट्रेंज ऑडर अकर। स्पॉन्टेनियसली। और नेक्स्ट है हाइपोस्मिया, इस कंडीशन में पार्शल लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन होती है। अब नेक्स्ट है हाइपरोस्मिया। हाइपरोस्मिया वो कंडीशन है जिसमें ओल्फैक्टरी सेंसेशन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी। Sensitivity become hyper. अब next है parosmia.
इस कंडीशन में डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ स्मेल स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। तो ये थे डिसऑर्डर्स ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व। कंप्लीट लेक्चर ऑन ओल्फैक्टरी नर्व। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडॉप्टेशन के हवाले से। ओल्फैक्टरी सेंसेशंस बिकम वेरी सून टू अडॉप्टेबल। Very soon to adaptable. Olfactory sensations बहुत ही जल्द adaptable हो जाती हैं। इनकी adaptation बहुत ही जल्द हो जाती है, rapid होती है।